बाल्डी वर्सेस समीर, बढ़िया बेज होने वाला है, देखते हैं कौन काटेगा। तो बहुत ही बढ़िया गेम आज होने वाला है एएससी वर्सेस स्पीड का। सलमान भाई पतंग को तैयार करते हुए, पीछे खड़े हैं गोल्डी भाई और एक से एक धुरिंदर प्लेयर हैं दोनों टीमों में। देखिए कुछ मुस्कुराते हुए कहने के लिए आ रहे हैं, क्या कहना आज आपका गेम स्पीड से है और उधर भी तीन लोग ऑल इंडिया विनर भाई, समीर भाई, ताबिश भाई और अच्छा लगा भाई, काटेगा जाहिर सी बात है, बाकी तो आप देख ही रहे मोहे कभी भी हो सकता है। ये हमारे यश भाई आप यंग में लड़ा रहे हैं और बाहुबली के कैप्टन और अपना क्लब गोलू भाई को दे दिया है और यंग में आ गए। तो गेम बहुत अच्छा होगा, बढ़िया पेज लड़ेंगे, दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक प्लेयर है, उधर स्पीड के मेंबर हैं, अभी देखते हैं कौन लड़ाएगा उधर से पहला पेज, और इधर भी अभी डिसाइड नहीं है कि कौन लड़ाएगा पहला पेज, हवा कम है इस वजह से अभी पतंगें नहीं लड़ाई जा रही। और ये रहे ऑल इंडिया विनर आलोक भाई, ताबिश भाई, सलमान भाई, कहाँ गए समीर भाई? अच्छा अभी आए नहीं है, पीछे मजाक करते हुए ताबिश भाई। और बहुत ही बढ़िया गेम होने वाला है, गजब के प्लेयर दोनों टीमों में, पतंग को तैयार कर रहे हैं आलोक भाई और अभी तक जितने भी राउंड निकले हैं बड़े बढ़िया बढ़िया गद्दे मारे हैं बढ़ करके, और देखते हैं क्या रहेगा एएससी के खिलाफ स्पीड वर्सेस एएससी, कौन निकलेगा क्वार्टर फाइनल के लिए। पूल बी है ना आलोक भाई? पूल बी के लिए तो भाई क्वार्टर फाइनल होने जा रहा है IKFA में पूल ए का, अवध वर्सेस नया दौर के बीच में, और टॉस कौन उछाला? अशफाक भाई टॉस उछालेंगे, कॉल कौन करेगा? कॉल करेंगे विरासत, नया दौर के मेंबर हेड कॉल करा है विरासत भाई ने, नया दौर के टेल आया है अवध के मेंबर कल्लू भाई, ये टॉस जीत गए। कल्लू भाई साइड अभी बताते हैं। तो बढ़िया राउंड हो गया आज भी, बहुत अच्छी अच्छी टीमें हैं IKFA में, मून लाइट है और स्पीड का एससी सलोना ही है, नवाब क्लब है, ये सारे कमेटी के मेंबर्स और कुछ पेंडिंग गेम है और क्वार्टर फाइनल भी आज लड़ेगा, बस थोड़ा हवा का इंतजार हो रहा है। खुद ही टॉस उछाल के देख रहे हैं कौन पहलू आ रहा है, हेड या टेल सिक्के में, ये देखिए फिर से उछाल ले, ये देखिए कह रहे हैं दोनों तरफ टेल है, ये फिर उछाल तीसरी बार, ये देखिए चेक कर रहे हैं, ये देखिए भैया सिक्का चेक करा दीजिए शालम भाई, दोनों साइड टेल तो नहीं है इसमें, दोनों साइड टेल है, सोले वाला है, ये आप सिक्का देख सकते हैं, हाँ उधर से सिक्का बहुत दूर से मंगाया गया, देखिए बहुत बड़ा सिक्का है, सिक्का अरे ये पांच का सिक्का देखिए, नई नई चीजें IKFA में, क्वीन विक्टोरिया का सिक्का, आज हवा नहीं है तो एससी के आतिब भाई आए हैं, क्या कहना आतिब भाई? लोकल में नहीं तो ऐसा हमेशा दे दिए ना, क्या दिक्कत है, हम तो रोज ही लड़ाते रहते जिंदगी जो कुछ बची। भाई दो दिन की वीडियो जोड़ रहे हैं, एएससी काइट क्लब चला गया था जयपुर, भैया जयपुर से हो जाए आप लोग, बिल्कुल आ गई फर्स्ट क्लास, और स्पीड वर्सेस एएससी का गेम देखने के लिए फिर आज भीड़ है ग्राउंड पे आज, लेकिन हवा बहुत तेज है, एक दिन था हवा नहीं थी बिल्कुल, वो वीडियो आपने स्टार्टिंग में देखी और आज हवा बहुत तेज़ है, पतंग को तैयार कर रहे हैं गोल भारी फर्मा गोल्डी भाई, और ये क्राउड है एएससी टीम की तरफ, और अभी चलते हैं स्पीड टीम की तरफ भी। तो ये रहे आशु भाई जो कि AKFA में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे नियुक्त हो गए हैं, मिठाई उठाई निकलेंगे आशु भाई। और ये हमारे चांद भाई, भाई देखिए वो बहुत से यूट्यूबर आ गए हैं, बहुत से लोग गेम बनाते हैं लेकिन शायद ना जानते हो, चांद भाई का बहुत नाम है और चांद टेलर के नाम से हमारे चांद भाई मशहूर हैं, तो चांद भाई ने बीच में एकदम पतंग कम कर दी थी लेकिन अब लड़ाने लग गए। चांद भाई क्या कहना शौक के बारे में, बहुत सालों बाद आप मैदान में दिखे, बहुत नामी प्लेयर हैं लखनऊ के चांद भाई, एक्सपीरियंस बहुत है इनको, और इनके बारे में तो क्या कहना, JD के मेम्बर क्या जी, अच्छा जीत राउंड किससे लड़ रहा है अनिल भाई? भाई मून लाइट में फैसला होगा यंग में, अच्छा उसमें से आप
सबका लड़ेगा, को एक कटना है और दो काटने भाई, उसमें से निकलेगा वो, उसमें से मेरा लड़ेगा भाई। शीश महल से क्या चल रहा है आपका? तीन काटना है, एक कटना है, एक कटना है। और आज अंसार भाई भी एससी के कैप्टन ग्राउंड पे। अंसार भाई आज क्या लड़ा उड़ाएंगे क्या? नहीं लड़ाएंगे, अब आज आपके मतलब की हवाएं लड़ा लीजिए। आज हवा की स्पीड देखिए आप, पतंग कंधे से पकड़नी पड़ रही है, 20-25 की स्पीड दे। चलते हैं स्पीड की ओर भी और देखते हैं उधर भी क्या माहौल है। और इधर रहे स्पीड के सब मेंबर पतंग को तैयार करते हुए, पतंग लंबे करी थी लेकिन उतार ले रहे किसी वजह से। समीर भाई आलमबाग के मेंबर, सूरज की सीध में से दिख नहीं रहा ये। और भैया समीर भाई क्या हाल, बाजार में लड़ा आपका? लड़ रहा है, अच्छा लड़ेगा, तीसरा राउंड चल रहा है। किससे लड़ रहा है? आकाश, ये रहे ताबिश भाई। और भी टीमों के गेम होने हैं लेकिन हवा की वजह से अभी लड़ नहीं रहा। सलमान भाई फाइनेंसर कहा है ताबिश भाई आपके क्लब के? फाइनेंसर कोई नहीं भाई हमारे क्लब का, आप लोग ऐसे ही बदनाम किए हुए हैं। किसको? देखिए आपने तो नाम ही नहीं लिया था, नहीं पड़ फाइनेंसर, बस आइए आप ही बता। और इधर रहे आलोक भाई, समीर भाई लग रहा अभी नहीं आए, बाकी टीम है शायद आलोक भाई। भाई शालम भाई बहुत बढ़िया टूर्नामेंट करा रहे हैं जिसमें लखनऊ की टॉप टीमें सब शामिल हैं, और आज हवा तेज है लेकिन फिर भी मैनेज करके गेम को लड़ाया जा रहा है। शालम भाई दो शब्द क्या कहना है आपको भाई? दो शब्द ये कहना चाहते जी आगे के लिए, देखिए इशारा कर रहे हैं एससी के मेंबर कि आप नीचे से आ जाइए, ऊपर लड़ाएंगे, लगता गोल्डी भाई लड़ाएंगे जी। शालम भाई दो शब्द ये कहना चाहते हैं कि भाई टूर्नामेंट हो रहा है जी, इसमें जो है सब आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों की मेहनत है, उसके बदौलत हो रहा है, अकेले की बदौलत टूर्नामेंट नहीं होता। तो कंटिन्यू करते हैं, आज बहुत बढ़िया फाइट होने वाली है एससी वर्सेस स्पीड के बीच। ये हमारे जॉइंट सेक्रेटरी ने शालम भाई मिठाई नहीं खिलाई भाई, जॉइंट सेक्रेटरी ने जो है शाम में जो है मिठाई का डब्बा आया था। अच्छा, और माशाल्लाह से खूब कायदे से खाई गई है। अच्छा, और यहाँ आते आते खत्म हो गया डब्बा। अच्छा, दोबारा डब्बा आएगा इंशाल्लाह। सुन रहे हो जॉइंट सेक्रेटरी, डिस्कस करते हुए फिर इसको सेट करते हुए एससी के मेंबर और आसपास काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। ये रहे कलीम भाई, वीडियो बनाने जा रहे हैं कलीम भाई, देखने जा रहे हैं स्पीड की ओर, देखने जा रहे हो स्पीड की ओर। सिर्फ अभी दो ही लोग खड़े हैं, ताबिश भाई हैं और आलोक भाई क्रिस पे पीछे की तरफ देख रहे हैं। शालम भाई जा रहे हैं, थोड़ा सा हवा तेज़ है तो चादर वाली क्रीज है, चटाई जिसे कह सकते हैं, तो उस पर ईटा ईटा रखने जा रहे हैं उड़े ना, और धीरे धीरे क्रिस की तरफ बढ़ते हुए। तो देखने वाला गेम होगा, मज़ा आएगी आज के गेम में। थोड़ा सा बड़ी हो सकती है वीडियो लेकिन पेज कोशिश करेंगे, अगर राउंड पूरा हुआ तो पेज सारे कवर करेंगे। पहला पेज दोनों के बीच में, नीचे से हैं आलोक भाई और ऊपर से हैं गोल्डी भाई, और बीच से हटने के लिए कह रहे हैं, बीच में काफ़ी लोग खड़े हैं, सलमान क्रिस के अंदर है रोकने के लिए गोल्डी भाई को। भीड़ देखिए काफ़ी है, राउंड इतना बढ़िया है, लखनऊ की टॉप टीम है, और पतंग आलोक भाई ने ताबिश भाई के हाथ में दे दी है। पहला पेज ताबिश भाई लड़ा रहे हैं, पतंग को उतारते हुए जगह लेते हुए नीचे से ताबिश भाई, पेज सही हो गया, पतंग थोड़ी सी गोल्डी भाई की कम है, और अंदर के मुड्ढे पे ऊंचा करते हुए ताबिश भाई स्पीड के मेंबर बाहर के साथ पतंग को निकालते हुए गोल्डी भाई दोबारा से अंदर का मुड्ढा बनाया, फिर से निकलता हुआ बनाया, बाहर की तरफ पतंग को ला रहे हैं। उम्मीद है कि जब अंदर की तरफ पतंग होगी तो चढ़ा देंगे। अंदर की तरफ पतंग दिखाई, धीरे से उतारी, डोर फेंकी, मुड्ढे बदल लें, डोर फेंकी फिर से, फिर अंदर की तरफ उतारी, डोरों पर रखा ताबिश भाई ने भी, दोनों लोग डोर निकालते हुए लगातार भर्रा छोड़ते हुए गोल्डी भाई चक्कर पे, और डोर निकाली ताबिश भाई ने भी और गोल्डी भाई ने भी। 1-0 का स्कोर स्पीड वर्सेस एएससी के बीच में, थर्ड राउंड आईकेएफए काइट टूर्नामेंट मजार ग्राउंड लखनऊ। तो दूसरा पेज नीचे के क्रिस पे फिर बढ़ते हुए आलोक भाई और ताबिश भाई पीछे की तरफ देख रहे हैं, और एएससी की तरफ काफ़ी हलचल है, देखते हैं अब की बार कौन लड़ाएगा। जेबू भाई उम्मीद है लड़ाएंगे,
सलमान भाई फिर से दिखा रहे हैं चेक। चलते हैं दूसरे पेज पे, देखते हैं स्पीड वर्सेस एससी में स्कोर बराबर होगा या एक पैसे और आगे बढ़ेगा स्पीड का क्लब। और इधर खड़े हैं यंग के मेंबर यश भाई जो बाहुबली में लड़ाते थे, काफ़ी नाम है वो, अब लड़ा रहे हैं यंग में रवि भाई साहब। कमेटी मेंबर्स और मूनलाइट के राहुल भाई, चल गेम है मूनलाइट का भी। फिर से हाथ चेंज, सलमान भाई के हाथ में दे दिए पतंग। चलते हैं जल्दी से पेज पे, जेबू भाई चरखी दिखा रहे हैं और नीचे से लेकिन ताबिश भाई लड़ाएंगे। पेज सही हो गया, पतंग को चमकाते हुए दोनों लोग, और अब की बार रेंज करीब 450 के करीब होगी, बढ़ गई रेंज। अभी गोल्डी भाई का जो पेज हुआ था काफ़ी कम रेंज में था, मज़ार वाला ग्राउंड जो जानते हैं वो जानते हैं, जो रोड बनी है उसी के समझिए ऊपर होगा, लेकिन अब पतंगें काफ़ी आगे निकल गई हैं। नीचे से जगह लेते हुए ताबिश भाई एकदम कमर की तरफ बीच में एकदम उठा बनाते हुए सलमान भाई बीच में पतंग उतारा, निकलता उठा बनाया, काफ़ी दूर से चल पड़े हैं पतंग को चमका रहे हैं। अभी ताबिश अंदर तब दिखा के तेते थपकी मारी थी, सलमान बाहर तब सल्ला खींचते चले जा रहे हैं, डोर फेंके हुए हैं, ताबिश तेते झटके मार रहे हैं, लेकिन सलमान लगातार बाहर की तरफ खींचते गए और एक एक का स्कोर बराबर कर लिया है एसी के लिए स्पीड के खिलाफ। क्रिस को सेट करते हुए की बार उम्मीद है कि ऊपर का पेज है तो आलोक भाई लड़ाएंगे, शालम भाई और बाकी लोग क्रिस को सेट कराते हुए, और नीचे से चांस ले ली फिर से गोल्डी भाई ने, ऊपर से सलमान भाई ने काटा था। धीरे धीरे देखिए ग्राउंड को कहा जाता है खाली रखिए, लेकिन सब एकदम क्रिस के पास चलते हुए पहुंच जाते हैं, और जेबू भाई अब की बार क्रिस पे हैं चक्की दिखाने के लिए, और बाकी टीम के मेंबर पीछे खड़े हुए हैं। ये लाल भाई जा रहे हैं वीडियो बनाने के लिए एससी की टीम पे, अरे हमें थोड़ा बहुत बना ले, और इधर क्रिस को सेट कराते हुए स्पीड के मेंबर। ये देखिए लाइन से सब खड़े हो गए हैं गोल्डी भाई की तरफ, सब लाइन से खड़े हैं क्रिस को घेर के, और इधर भी काफ़ी लोग हैं। तो देखते हैं कौन अपने दो पेज पहले पूरे करेगा थर्ड राउंड में IKFA टूर्नामेंट एसी वर्सेस स्पीड। नीचे से जगह लेते हुए गोल्डी, ऊपर से मुड्ढा उतारते हुए आलोक, आलोक भाई ये पतंग थोड़ी सी बढ़ है, जगह लेते जा रहे हैं गोल्डी भाई भी, बाकी स्पीड बिल्कुल कम नहीं हुई है, और रेंज अब होगी करीब करीब 300 मीटर। बाहर की तरफ पतंग निकालते हुए गोल्डी, कमर की तरफ बढ़ते हुए आलोक भाई, अभी भी आलोक भाई की पतंग बढ़ है, बाहर की तरफ पतंग को निकाल लें। दोबारा से जगह लेते हुए और सीटी बजी सही, बाहर की तरफ खींचते हुए गोल्डी भाई बीच में एकदम मुड्ढा उतारा, चक्कर पर डोर छोड़ते जा रहे हैं, अंदर की तरफ तेते थपकते हुए गोल्डी भाई, और दोनों पतंगे बराबर से चली गई। तो एक एक का स्कोर बराबर रहेगा एसी वर्सेस स्पीड। यंग का गेम चल रहा है मून लाइट से, 8-7 का स्कोर है, यंग ने काटे हैं 8 पेज, मून लाइट ने काटे हैं 7, आखिरी पेज बचा है जिम्मी भाई का मून लाइट के लिए। ऊपर से मुड्ढा रखते हुए जिम्मी भाई, नीचे से जगह लेते हुए यश लड़ा रहे हैं यंग के लिए, बीच में एकदम मुड्ढा उतारते हुए, पेज सही हो गया है, देखते हैं ऑल ऑल का गेम लड़ेगा दोनों के बीच में या एक पेज और काट के यंग अपना राउंड क्लियर कर लेगा। और ये रहे जिम्मी भाई, काफ़ी लोग घेर के खड़े हुए हैं, तो उनको लड़ाना है अपना आखिरी पेज मूनलाइट की तरफ से। जगह लेते हुए पेज सही हो गया, बीच में एकदम मुड्ढा उतारते हुए जिम्मी भाई, निकलता मुड्ढा बनाया, यश ने बाहर की तरफ खींचा, करीब करते हुए चक्कर लिया, सीधी पतंग उतारी जिम्मी भाई ने, चक्कर बटोर निकालते जा रहे हैं, बाहर के बल सही करे, बाहर की तरफ फिर से गद्दा मारते हुए ताकत से, और यश के चक्कर कट गए। बढ़िया पेज जिम्मी भाई ने काट दिया, 8-8 का स्कोर बराबर, ऑल ऑल का गेम लड़ेगा मून लाइट वर्सेज यंग के बीच में। स्पीड की पूरी फौज नीचे के लिए बढ़ती हुई, स्कोर बराबर है
मैच हुआ था एक कोहली और हलो भाई के बीच में बराबर चला गया था, लेकिन लगता है फिर से डिसीजन लिया है और नीचे से भेज दिया स्पीड में। सुनील भाई भी आ गए हैं लेकिन जैकेट वैकेट पहले लग रहा है कि लड़ाएंगे अगला पेज। और इधर ऊपर की क्रीज में अभी कोई बढ़ के आ नहीं रहा है, वो ये बढ़ के आ रहे हैं गोल्डी भाई, लगता है गोल्डी भाई खुद ही लड़ाएंगे। देखते हैं अब की बार फिर से अलोक भाई और गोल्डी भाई के बीच का पेज, स्कोर एक एक का बराबर है। ताविश भाई के हाथ पे फिर से पतंग दे दी आलोक भाई ने, नीचे का पेज ताविश भाई लड़ाएंगे। आलोक भाई चल के दिखाने लग गए और ऊपर का पेज लेकिन गोल्डी भाई लड़ाएंगे। चलते हैं पेज पे, देखते हैं आपकी बार क्या होगा। स्पीड बसे से ऐसी ऊपर से मुड्ढा उतारते हुए गोल्डी भाई, पेज सही हो गया है। नीचे से ताविश भाई थोड़ा सा घेरते हुए अब की बार गोल्डी भाई, ये सही चल रहा है। दोनों पतंगे बराबर हैं, गर्दन के पास से पेज हो रहा है। धीरे धीरे पतंग को फिर से उतारते हैं गोल्डी भाई, बाहर की तरफ खींचा देते थपकी मारी और चुस्की और पेज दोनों पतंगे टकरा गई। देखते हैं अब कौन काटेगा चुस्की वाले पेज में। लगातार डोर निकाला, डोर फेंकी फिर से गोल्डी भाई ने, फिर से टाइट करा सलग डोर निकालते हुए फिर से ऊपर की तरफ आए, फिर से कंठी मार के रखा बाहर के बल और ये पेज गोल्डी भाई ने काट के 2-1 का स्कोर कर लिया है एससी के लिए स्पीड के खिलाफ। अच्छा भारी के और हल्की के किससे लड़ रहा है भाई? हमारा भी ऑल ऑल करने जा रहा है यंग और जो है मूनलाइट का। अच्छा फिर हम लोग का लड़ाई। अच्छा मतलब वेट कर रहे हैं दोनों में से कोई ऑल ऑल में लिख ले तीसरा राउंड। ये रहे एससी के मेंबर बबलू भाई, क्राउड देखिए सिर्फ स्पीड और एसी के चक्कर में आज इतना क्राउड है। दोनों बहुत अच्छी टीम है लखनऊ की, पतंग लंबे करके जा रहे हैं फिर से, उम्मीद है गोल्डी भाई लड़ाएंगे। 2-1 का स्कोर स्पीड वर्सेस से एसी। चांद भाई लड़ा रहे हैं और एक पेच काटना है शीश महल को, तो घूमते के लिए चांद भाई लड़ा रहे हैं, सिर्फ एक पेच बचा है चांद भाई का। बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है, देखने वाला पेज होगा। और अपोजिट में है शीश महल के मेंबर, नीचे से लड़ा रहे हैं शीश महल को, लेकिन सिर्फ एक काटना है और गोमती क्लब को 3 काटना है। देखते हैं अब की बार कौन काटेगा। पेज सही हो गया है, नीचे से शीश महल के मेंबर, ऊपर से चांद भाई गोमती के लिए, गोमती को 3 काटने हैं, शीश महल को 1 पेज राउंड क्लियर करने के लिए। बाहरी बाहर पतंग को निकालते हुए कन्ने के पास एकदम पतंग को उठाने की कोशिश कर रहे हैं चांद भाई। सही चल रहा है, हवा तेज़ है, कोई भी खींच के नहीं लड़ा रहा, सिर्फ एक पेज सलमान भाई ने जो एससी से स्पीड का हुआ उसमें खींचा है, बाकी सब एक दूसरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। पतंग को ऊपर तानते हुए नीचे नीचे पतंग को लगाए हुए हैं शीश महल के मेंबर। पतंग फट गई है तो कैंसिल के लिए कहा जा रहा है, लेकिन चलते पेज में पतंग फटी है और क्रिस पे पतंग को उतारनी पड़ेगी, पेज मिल जाएगा गोमती को तो 3 काटने थे 2 ही काटने पड़ेंगे। अब देखते हैं पूरी पतंग उतर के आएगी कि नहीं। और एक चीज़ और है, ऐसा हो सकता है आपके नॉर्मल गेम भी हो, अगर नॉर्मल गेम में चलते पेज पे पतंग फटती है और पेज हो जाता है तो जिसने काटा पेज उसका होगा, लेकिन अगर पतंग हटा ली जाती है और फटी पतंग उतारनी पड़ती है तो उसको पूरी पतंग उतारनी पड़ेगी हाथ तक। अब जैसे ये पतंग फट गई है, चलता पेज था, पेज सही चल रहा है, अगर क्रिस के अंदर शीश महल के मेंबर ने पतंग उतार ली तो पेज यहीं पे बराबर हो जाएगा, किसी को पेज नहीं मिलेगा। और अगर पतंग घुस जाती है फट जाती है रास्ते में क्रिस के अंदर पूरी पतंग उतर के नहीं आएगी तो पेज मिल जाएगा गोमती क्लब। ये पतंग फटी हुई तिरछी तिरछी उतर रही है, राइट साइड से पतंग फट गई है पूरी, तागे पे रुकी हुई है, देखते हैं कहां तक उतर के आएगी। और बाकी सब क्रिस के पास खड़े हुए मेंबर, तिरछी तिरछी पूरी पतंग उतारने की कोशिश कर रहे हैं शीश महल के मेंबर। और
फटी पतंग जो तिरछी होके अंदर की तरफ तंती जा रही है उसी पतंग से लड़ा लिया जा रहा है। खींचा शीश महल के चांद भाई ऊपर से मुद्दा रखे दे रहे पतंग टिकी उतर के हरी पतंग से पे लड़ा लिया है। 7-8 का स्कोर शीश महल वर्सेस गोमती क्लब के बीच में। जो पेज एक हुआ था कि मौका पहले दिया गया था पतंग उतारी है, लेकिन फटी पतंग में अगर अगली टीम का मेंबर चाहता है फटी से लड़ाना या कन्ने खुली लड़ाना वो लड़ा सकता है, पेज होता है, तो उसी को लेके थोड़ा सा दोनों टीमों के बीच में डिस्कशन चल रहा है। अली भाई शीश महल के मेंबर और जिनको पेज काटा है उनको भाई कैंडल नहीं होगा, आपकी पतंग फटी है, फटी है ना आपकी पतंग, सही तोड़ी है ये समझिए। अली भाई को समझाया जा रहा है फटी है आपकी, सही होती तो मैं कैंडल ना कर देता। तो डिस्कस हो गया, हाँ पेज कटे में ही जाएगा जो कि रूल होता है। तो अब लड़ेगा ऑल ऑल का पेज यंग वर्सेस मूनलाइट के बीच में। ऊपर ही ऊपर पतंग की डोर निकालते हुए जिम्मी भाई मूनलाइट के मेंबर दोनों एक दूसरे को मुद्दा रखने के लिए कह रहे हैं, पेज सही हो गया है। ऑल ऑल का पेज अंदर के मुद्दे पे पतंग को उतारते हुए ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, जिम्मी भाई गद्दा मारेंगे, देखते हैं क्या होगा। रेंज बढ़ती जा रही है करीब करके दोनों लोग डोर निकाल रहे हैं, टूट गए जिम्मी भाई बहुत लंबो से टूटे है, पेज है बाहर के चक्कर ले रहा है, देखिए पेज अभी भी है, डोर है, टून टूट गया जिम्मी भाई के हाथ से और पेज मिल गया यंग को, यंग की पतंग भी चली गई लेकिन सीटी बच गई। तो ऑल ऑल पे किस्मत थी यंग काइट क्लब की, फ्री का पेज मिला, राउंड क्लियर कर लिया है रवि भाई ने अपने क्लब के लिए। तो फिर से एक बार गोल्डी भाई क्रिस की तरफ बढ़ते हुए 2-1 का स्कोर एससी वर्सेस स्पीड, एससी के लिए ऊपर का पेज फिर से लड़ाएंगे और नीचे के पेज के लिए ताबिज भाई हैं समीर भाई, उम्मीद है कि समीर भाई को अबकी बार चांस दी जाएगी क्योंकि ताबिज भाई अपने 2 पेज लड़ा चुके हैं, 2-1 का स्कोर है, 2 पेज ताबिज भाई कटे हैं, बाकी सबके पेज बचे हुए हैं और एक पेज काटा था ताबिज भाई ने हेलो गोल्डी भाई को। गोल्डी वर्सेस समीर बढ़िया पेज होने वाला है, देखते हैं कौन काटेगा, स्पीड वर्सेस एएससी। जगह लेते हुए समीर भाई नीचे से, ऊपर से गोल्डी भाई पतंग को उतारते हुए, पेज सही बीच में एकदम जाते हुए गोल्डी भाई भारी पतंग को लेके बाहर का मुड्ढा बनाया, समीर ने भी पतंग को ऊंचा कर लिया अंदर के मुड्ढे पे खींचते हुए, समीर ताकत से खींचते जा रहे हैं, डबल करते हुए पतंग उठा रहे हैं, गोल्डी चक्कर में पतंग को निकाली, सीधी पतंग उतारी चक्करों में पेज और समीर भाई छूट रही, बढ़िया पेज काट दिया, 3-1 का स्कोर एसी वर्सेस स्पीड के बीच में। तो फिर से एक बार स्पीड वर्सेस एसी और नीचे से लगता है आपकी बार लड़ाएंगे आलोक भाई, आलोक भाई को पेज नहीं गया, ये टहलते हुए प्रयास क्लब के गुड्डे भाई और फारूक भाई बीच में खड़ों के डिस्टर्ब कर रहे हैं थोड़ा सा, इधर आ जाओ, तो नीचे से आलोक भाई पेज सही हो गए, जल्दी से चलते हैं पेज पे, ऊपर से हैं गोल्डी भाई अंदर के मुड्ढे पे पतंग को खींचते हुए ताकत से खींचते चले जा रहे हैं, आलोक भाई की पतंग बहुत बड़ है, पतंग को बचाने के लिए गोल्डी भाई ने ऊपर की तरफ खींचा, सेम पतंग को लड़ा रहे हैं दोबारा से धीरे धीरे पतंग को उतारते हुए तिरछा कर आगे कन्ने की तरफ बढ़ते हुए गोल्डी भाई अपनी कम पतंग से पट पे करके खाली कराते हुए झोल में पतंग उतारने की कोशिश कर रहे हैं गोल्डी भाई, धीरे धीरे काफ़ी नीचे पेज आ गया है, जगह लेते हुए आलोक भाई स्पीड के लिए भारी भार पतंग को निकालते हुए, गोल्डी भाई भी करीब करा अंदर का मुठा बनाया ताकत से पतंग को उतारा भाग तब देते थपकी मारी आलोक ने चक्कर पर डोर छोड़ी और आलोक भाई कर गए, 4-1 का स्कोर एससी वर्सेस स्पीड के बीच में। तो गोल्डी भाई ऊपर से काट रहे थे लेकिन लग रहा है अब जेबू भाई नीचे से पेज लड़ाएंगे, अपनी पतंग को चेक करते हुए नीचे की क्रीज में बढ़ते हुए
और देखते हैं ऊपर से कौन पेज लड़ाएगा। वैसे आलोक भाई लड़ाते हैं हमेशा ऊपर का पेज स्पीड के लिए, और पतंग अभी समीर भाई के हाथ में है, तो देखने वाला होगा। गोल्डी भाई लगातार काट रहे थे लेकिन चांस ले ली है जेबू भाई ने, और पीछे सलमान भाई बढ़ते हुए चरखी दिखाने के लिए। नीचे से जगह लेते हुए जेबू भाई, और ऊपर से ये रहे आलोक भाई की पतंग मुड्ढा उतारते हुए। 4-1 का स्कोर स्पीड वर्सेस एएससी। बीच में ताबिश लड़ा रहे हैं, और सॉरी फ्रेंड ताबिश भाई ने अपने हाथ में पतंग ले ली है। ऊपर से ताबिश भाई लड़ा रहे हैं स्पीड के लिए, और ताबिश भाई का ये आखिरी पेज है, पेज सही। नीचे से जेबू भाई जगह लेते हुए, ऊपर से ताबिश भाई बाहर की तरफ पतंग को निकाले, थोड़ी सी पतंग बढ़ है ताबिश भाई की, अंदर के मुठ्ठे पे ऊँचा करते जा रहे हैं जेबू भाई। बीच में एकदम मुड्ढा उतारते हुए ताबिश भाई दोनों एक दूसरे के हाथ की तरफ पतंग को ले जाते हुए बाहर की तरफ पतंग को निकाल रहे हैं। जेबू भाई अपनी बाहर की तरफ निकालते हुए पतंग को, ताबिश भाई भी बाहर का मुड्ढा बनाया ताकत से गद्दा मारते हुए, रोका बाहर की तरफ खींचा। जेबू भाई ने दोनों लोग अपनी ताकत लगाते हुए बाहर के मुड्ढे पे दोनों लोग लगातार खींच रहे हैं, और ताबिश भाई ने काट के 4-2 का स्कोर कर लिया है स्पीड के लिए एएससी के खिलाफ। ये पेज ताबिश भाई ने काटा था, बढ़िया गद्दा मारा है ताकत वाला, पतंग बाहर करने के लिए कह रहे हैं समीर भाई से, और बढ़िया गद्दा मारा ताबिश भाई ने। इनके दिमाग में फोटो आ गई थी, वही बस सोच के गद्दा मार दिया। बहुत अच्छा। आपको बता दें जी, ये आजकल जो है घर पे दौड़ रही है। अच्छा, फिटनेस अच्छी। ये मशीन लेके आए ट्रेडमिल, और घर में जो है डेली 10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं। अच्छा, उसी वजह से अब पेज लड़ा रहे हैं फंसा के। मजार वाले ग्राउंड पे साहिल भाई हमारे गोंडा से, और ऑल इंडिया नहीं देख रहे हैं साहिल भाई, अच्छा वो भी देख रहे हैं, दोनों जगह बार बार चक्कर लगा रहे हैं, शिव मंदिर और कभी मजार की चौकी, गोंडा से आए हमारे साहिल भाई। तो साहिल भाई वहाँ गोंडा में क्लब व्लब क्लब है, आपका कौन सा क्लब है? कोबरा। और वहाँ पे मतलब कितने क्लब होंगे आइडिया कुछ? 8-9 क्लब है वहाँ। जगह वगैरह ग्राउंड वाउंड बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, क्या पता आपसे कोई शौक करना चाहे आसपास के शहर का, तो किस नंबर पे बात करें आपसे? नंबर 8858-88-2278। तो ये नंबर पे आप बात कर सकते हैं, साहिल भाई हैं कोबरा काइट क्लब के, संभल के जाइएगा डस वस ना ले, और बढ़िया गेम गोंडा में आपको लड़ाने को मिलेगा। और मजार वाले ग्राउंड पे अभी हम लोग हैं IKFA टूर्नामेंट, इधर स्पीड के सब मेंबर पतंग को तैयार करते हुए, सोनू भाई लड़ा रहे हैं आलमबाग के मेंबर। फिर से नीचे का पेज ऐसे के गोल्डी भाई लेके पहुंचे हैं, और साथ में भीड़ चल रही है रिंग के करीब आने के लिए, धीरे धीरे करके सब रिंग के पास पहुंच रहे हैं। अलग ही नशा है भाई, दूर से नहीं देखता कोई। और ऊपर का पेज फिर से लाएंगे ताबिश भाई स्पीड के लिए, बढ़िया पेज काटा था। 2-4 का स्कोर स्पीड वर्सेस ऐसे। ये रही गोल्डी भाई की पतंग, भारी गोल फरमा, और ऊपर पतंग अभी लगी हुई है ताबिश भाई की, भारी नहीं है अभी, ये पतंग उतर के आई, पेज सही हो गया। बीच में एकदम मुड्ढा उतारते हुए ताबिश भाई, उम्मीद है अब की बार आर पार का पेज लड़ाएंगे। काफ़ी नीचे पतंग करा ली गोल्डी भाई ने, सीधी पतंग उतारते हुए करीब करा चक्कर लिए, डोर फेंके गोल्डी भाई ने, बाहर की तरफ लाए करने के पास एकदम पेज डबल करके रखा ताबिश भाई ने, चुस्के हुए दोनों लोग चक्कर पर डोर निकालते हुए अंदर की तरफ दिखाया, फिर से जल्दी से ऊंचा करा, और की बार कट गए गोल्डी भाई ऊंचा करने के चक्कर में, बढ़िया पेज है ताबिश भाई ने काटते हुए। 4-3 का स्कोर एसी वर्सेस स्पीड के बीच में। तो फिर से एक बार चांद भाई घूमती के लिए, देखते हैं अब की बार कोई हादसा ना हो। शीश महल के साथ, शीश महल के ये मेंबर लड़ा रहे हैं। 8-7 का स्कोर है, 8 काटे हैं शीश महल ने, 7 काटे हैं गोमती ने, एक काटना है शीश महल को और 2 काटने हैं गोमती को। जगह लेते हुए शीश महल के मेंबर ऊपर ऊपर अपनी पतंग को लगाए हैं चांद भाई, चांद टेलर के नाम से बहुत मशहूर है लखनऊ में पतंगबाजी में। धीरे धीरे पतंग को उतारते हुए कन्ने के पास, एकदम सल्लक कन्ने के पास दौड़ निकालते जा रहे हैं दोनों लोग, बाहरी बाहर पतंग को निकालते हुए कन्ने के पास एकदम पहुँचे शीश महल के मेंबर ने भी अपनी पतंग को बचाया। फिर से जगह लेते हुए दौड़ निकलती जा रही है, थोड़ा सा बीच की तरफ आए चांद भाई,
श्री महल के बंपर हवा को तोड़ के जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर की तरफ चांद भाई अपनी पतंग को निकाल रहे हैं। दोबारा से अंदर का मुड्ढा बनाया, बीच में एकदम डोर निकाल, दोनों लोग डोर निकालते जा रहे हैं पतंग अच्छी खासी रेंज में। अंदर के मुड्ढे पे शीश महल के मेंबर ने पतंग को ऊंचा करा, बाहर की तरफ पतंग भाग रही हवा की सीध से। करने के बाद चांद भाई ने अपनी पतंग को उतारा, बाहर का मुड्ढा लिया, ताकत से खींचा, चक्करों पे पेज और तुरंत चांद भाई कट गए। बढ़िया पेज शीश महल के मेंबर ने काट के राउंड अपना क्लियर कर लिया। तो स्पीड के मेंबर फिर से एक बार ताबिश भाई, दो पेज लगातार इन्होंने ऊपर से स्पीड के लिए काट के तीन और चार का स्कोर कर लिया। तीन काट दिया स्पीड ने, चार काटे एससी ने। मिक्की भाई किसमें लड़ाते हैं? मिक्की भाई भीम काइट फाइटर, ओहो, राहुल भाई के साथ, राहुल भाई खतरनाक। और इधर एससी के लिए फिर से गोल्डी भाई ने चांस ले लिए नीचे का पेज। तो पतंग काफी रेंज में थी और तुरंत सलमान भाई के हाथ में दे दिया। गोल्डी भाई पीछे चरखी दिखाने लग गए और पीछे का गेम भी बदल गया। पीछे का गेम भी ताबिश भाई के हाथ में पतंग थी, तुरंत आलोक भाई के हाथ में दे दी। अब दोनों रेंज वाले प्लेयर हैं, दोनों ताकत से खींचते हैं, देखने वाला है क्या होगा। चलते हैं जल्दी से पेज पे, एक मुड्ढा नीचे करते हैं। बीच में एकदम मुड्ढा बनाया आलोक भाई ने, पेज अभी सही नहीं हुआ है और ताकत से जगह ले रहे हैं। दोनों एक दूसरे के हाथ की तरफ बढ़ते हुए, ऊपर से कमर की तरफ बढ़ते हुए आलोक भाई नीचे से जगह लेते चले आ रहे हैं सलमान। इसीलिए फ्रेम में एक ही पतंग आ पा रही, ये लगी है सलमान की पतंग, नीचे से अंदर का मुड्ढा बना लिया है। और ये रही आलोक भाई की पतंग, ऊपर से अंदर का मुड्ढा बना लिया है। तो देखने वाला थोड़ा सा फटाव कम होगा दोनों के बीच में, तब आपको दोनों पतंगें क्लियर दिख पाएंगी। अभी दोनों एक दूसरे के हाथ की तरफ जगह ले रहे हैं। सलमान भाई अपनी पतंग को बाहर की तरफ लगातार निकालते हुए, पेस सही चल रहा है। तो नीचे आपको राइट साइड पर पतंग दिख रही है, वो सलमान की पतंग है और ऊपर वाली पतंग है आलोक भाई की स्पीड क्लब। बीच में मुड्ढा बनाए हुए हैं, पेस सही चल रहा है, थोड़ी सी रेंज कम हो गई है बस। निकलता हुआ मुड्ढा बनाया सलमान ने भी काफ़ी ऊंचा करके, बाहर के मुड्ढे पर ताकत से खींचते हुए पतंग को चमकाया, फिर से बाहर का मुड्ढा लिया, ताकत से लगातार खींचते हुए आलोक भी ताकत से गद्दा मार रहे, दोनों लोग ताकत से खींचते हुए और सलमान ने ये पे ताकत लगाते हुए काट के पाँच और तीन का स्कोर कर लिया एससी के लिए स्पीड के खिलाफ। आइए ऊपर की क्रिस पे आते हुए लगता आखिरी पे लड़ाएंगे, हाथ में देखते हैं ताबिश भाई लड़ाएंगे एंड टाइम पे कोई हाथ है। और नीचे के लिए सलमान भाई ने तैयारी ले ली है, अभी पतंग संभाले हुए हैं गोल्डी क्रिस के पास। देखिए कैसे भीड़ लगा के खड़े हैं सबको, सब गेम को देखने के लिए। देखते हैं अब की बार कौन काटेगा पांच और तीन का स्कोर स्पीड वर्सेस एससी। आगे वाली क्रीज पे कोई एम्पायर नहीं है, आइए जल्दी आइए। आशु भाई दौड़ के जा रहे हैं, शालम भाई के हाथ में दे दी, शालम भाई जा रहे हैं आगे। गैलेक्सी गैलेक्सी पतंग लाए, उड़ाओ पतंग उड़ाओ। थोड़ा सा और रेंज छोड़ दी है सलमान भाई ने, जल्दी करो भैया। और पतंगे बहुत आराम से 500 मीटर की रेंज में नीचे से जगह लेते हुए सलमान, ऊपर से एक मुड्ढा नीचे नहीं कराओ ताबिश भाई, एक मुड्ढा नीचे कर दिया। कितनी है दोनों प्लेयरों की तरफ, पेस सही हो गया, पतंग उसी रेंज में है, धीरे धीरे पतंग उतारते हुए और काफी नीचे नीचे जगह लेते हुए सलमान। और फिर से एक बार नीचे से अंदर का मुड्ढा बना लिया, ताकत से जगह लेते चले आ रहे हैं और ताबिश भाई की पतंग काफी ऊपर है अभी, बाहर की तरफ निकालते हुए ताबिश भाई भी अपनी पतंग को, पेस सही चल रहा है, बाहरी बाहर पतंग को निकाल रहे हैं ताबिश भाई और ऊपर ही ऊपर थोड़ा सा रेंज को कम कर रहे हैं अब। और सलमान भाई ने नीचे से अंदर का मुड्ढा बना लिया, उसी मुड्ढे पे सिर्फ ताकत से खींचते हुए पतंग को चमकाया, बहुत दूरी है दोनों के बीच में अभी, पेस सही चल रहा है, लगातार जगह लेते जा रहे हैं सलमान भाई अभी भी और बाहर के मुड्ढे पे ताकत से खींचते हुए ताबिश भाई भी। जो राइट कॉर्नर पे आपको पतंग दिख रही है, राइट कॉर्नर पे बॉटम पे वो पतंग है सलमान भाई की और जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे है वो है ताबिश भाई स्पीड की। सिर्फ रेंज कम हो रही है भाई अभी, पेस सही चल रहा है, एक दूसरे के हाथ की तरफ जगह ले रहे हैं, सिर्फ एक पतंग इसलिए दिखा पा रहे हैं। और ये जो पतंग आपको फ्रेम में दिख रही है ये है ताबिश भाई की स्पीड क्लब की, थोड़ी सी पतंग बाहर निकल के आएगी सलमान भाई की, तब आपको दोनों पतंगे दिखेंगी। अभी भी सिर्फ पतंग की रेंज कम हो रही है, काफ़ी ज़्यादा रेंज कम करा ली है जगह लेते लेते सलमान भाई ने। ये सलमान भाई की पतंग लगी है पेड़ों के ऊपर, ये देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं आपको, ये पतंग चमका रहे हैं, सलमान भाई की पतंग है। एक मिनट हो गया इस पेज को, सिर्फ रेंज कम हुई है
जगह लेने के लिए। बाहर की तरफ पतंग को निकालते हुए ताबिश भाई जगह लेते हुए नीचे से सलमान यंग दो पतंग है यंग ठीक है पेस सही है सही चल रहा है। दो मिनट हो गए इस पेज को निकलता हूँ मुड्ढा बनाया ताबिश भाई ने काफ़ी दूर से बाहर का मुड्ढा बनाया सलमान ने भी दोनों लोग अपनी ताकत लगाते हुए करीब करा मुड्ढा चमकाया फिर से सलमान ने पतंग को चमकाते हैं क्रॉस मुड्ढे पे ताकत बनाते हैं अंदर तब खींच रहे हैं सलमान ताकत से बाहर के मुड्ढे पे तेते थपकी मारी ताबिश भाई ने और ये बढ़िया पेज सलमान भाई को काटते हुए 4-5 का स्कोर कर लिया है एएससी के खिलाफ स्पीड के लिए। पांच और चार का स्कोर नीचे से जेबू भाई फिर से और ऊपर से ताबिश भाई देखते हैं स्कोर बराबर होगा या एक से और आगे बढ़ेगा एएससी गाइड क्लब। अंदर के मुड्ढे पे पतंग को ऊंचा करते हुए जेबू भाई सलमान भाई क्रिस पे बने हुए हैं पेस सही चल रहा है फट पे करके थोड़ा सा खाली कराते हुए निकलता हुआ मुड्ढा बनाया ताबिश भाई ने खाली करा लिया जेबू भाई की पतंग कम हो गई है टक्कर का गेम हो रहा है दोनों के बीच में स्पीड वर्सेस एएससी थर्ड राउंड है ये क्रॉस पट की ओर खींचा जेबू भाई ने और ज़्यादा जगह लेते हुए पतंग जेबू भाई की थोड़ी सी कम हो गई है ताबिश भाई अपनी बड़ पतंग से अंदर के मुड्ढे पे खींचा रुके अंदर की तरफ फिर से पतंग उतारा दौर फेंकी है काट काट नहीं हुई है पट पे खींचा अंदर की तरफ उतारा ताबिश ने फिर से बाहर की तरफ खींचा बाहर का मुड्ढा बनाया और डबल होते हुए मुड्ढे से ताबिश भाई ने यह पैच काट दिया 5-5 का स्कोर बराबर हो गया है एएससी और स्पीड के बीच में। यश भाई बहुत बढ़िया पतंग ला रहे हैं यंग के लिए 4-0 का स्कोर कर रखा है और ऊपर से हैं जेडी के मेंबर पतंग को ऊंचा करते हुए यश भाई यंग के लिए और ऊपर से जेडी के लड़ा रहे हैं ये रहे अनिल भाई लड़ा रहे हैं 4 पेज यंग ने काटे हैं जेडी को अंदर के मुड्ढे पे पतंग को उतारा बाहर के मुड्ढे पे यश ने खींचा रोके अंदर की तरफ दिखाया तेते थपकी मारी सीधी पतंग उतारी थपकी पे अनिल ने भी चक्करों पे डोर निकालते हुए दोनों ही प्लेयर और फिर से एक बार यश ने काटा और 5-0 का स्कोर यंग वर्सेस जेडी के बीच में। दूसरी पतंग ले आए तुरंत यश पतंग वाली टूट गई थी और 5 पेज कंटिन्यू काटे लेकिन अब दूसरी पतंग है देखते हैं दूसरी पतंग से एक को पेज काट पाते हैं कि नहीं और ऊपर से लड़ा रहे हैं शुएब भाई जेडी के लिए मुड्ढा उतारते हुए पेज अभी सही नहीं हुआ है लड़ा रहे थे स्पीड के मेंबर भी निकलता हुआ मुड्ढा बनाया बाहर के मुड्ढे पे यश ने खींचा पतंग को चमकाया तेज पतंग को चमकाते आ रहे बाहर के मुड्ढे पे खींचते हुए शुएब ताकत से और पतंग को चमका ही रहे हैं यश कट गए बढ़िया पेज शुएब ने काट दिया 5-1 का स्कोर जेडी वर्सेस यंग के बीच में। तो भाई ये पेज आज के दिन में हुए पतंग पहुंची थी एससी की लेकिन काफ़ी देर से पतंग उड़ाते स्पीड के मेंबर तो उनकी पतंग फट गई गेम यहाँ पे एंड आज के दिन का बाकी गेम आपको जो मिलेगा वो नेक्स्ट डे मिलेगा स्पीड वर्सेस एससी का और स्कोर आज के दिन में 5-5 का दोनों ही टीम के बीच में बराबर है।